हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर नेट से एक लहंगा रेडी करके बताऊंगी। ये हमने डिज़ाइनर नेट लिया है, आप देख सकते हैं। ये फैब्रिक हमारा 3 मीटर है। इससे हम एक डिज़ाइनर लहंगा रेडी करेंगे। ये लहंगा हमारा फ्रिल वाला लहंगा होगा, ये देख सकते हैं। ऐसी फ्रिल्स आएगी इसके अंदर। इसके लिए हमने हमारा मेजरमेंट लिया है, 40 इंच हमारी लंबाई है, जिसमें हमने 1.5 इंच सिलेक्ट बेल्ट का माइनस कर दिया है और हमने 3 इंच इसमें प्लस कर दिया है, जो कि हमारा फोल्डिंग का जाएगा नीचे से। इस तरह इस नाप, ये हमारी टोटल लेंथ हो गई है 41 इंच। कमर का हम लेंगे 38 है हमारी, जिसमें 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन ऐड कर दिया है। हमने कपड़े को लेंथ वाइज बिछा लिया है, देख सकते हैं आप। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 41 इंच है, तो हमने 41 पर निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से हम 41 का निशान लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देख सकते हैं, हम निशान लगा लिया 41 का। इसकी कटिंग कर देंगे और नीचे से इसको हम, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच, इसको फोल्ड कर देंगे। ये हमारा लेंथ वाइज हमने मेन फैब्रिक को काट लिया है। अब हम लाइनिंग के फैब्रिक को बिछाएंगे। ये हमने साटन का फैब्रिक लिया है और ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। इसे हम पहले लेंथ वाइज निकाल लेंगे। लेंथ इसके हम 40 लेंगे, 40 की लंबाई लगाएंगे दोनों साइड से। और स्केल की सहायता से दोनों को मिला लेंगे। अब हमारी कमर का निशान लगाएंगे। उस कमर के फोर्थ पार्ट करके हमने 1 इंच में प्लस करके लगा लिया है। अब इसमें हम हमारे शेप पट्टी से निशान लगा लेंगे तिरछा। ये देख सकते हैं, हमने इसको पहले नाप लेंगे कि हमारा 40 आ रहा, क्योंकि ये पीछे से ज़्यादा हो जाता है तिरछा कटने पर, तो इसमें हम तिरछा निशान लगा लेंगे गोले में। ये हमको लेंगे शेप में काटना है, शेप पट्टी से उसकी कटिंग कर देंगे अच्छे से। देख सकते हैं, हमने लहंगे शेप में इसकी कटिंग कर दी है। और इसके अब हम कमर का नाप ले लेंगे और इसकी साइड के सिले लगा लेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए हमने ये 4 इंच की पट्टी ली है और इसकी लंबाई हमने 40 इंच ली है, देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलाई का मार्जिन भी ऐड कर दिया है। हम पहले नेट के फैब्रिक को नीचे से फोल्ड कर देंगे 2 इंच, जो कि हमने नीचे से लगाया था। आप चाहे तो इसके अंदर इंटरलॉक भी करवा सकते हैं। अब हम हमारे अस्तर के फैब्रिक को भी अटैच कर देंगे एक साइड से। ताकि हमारा पूरे में फ्रिल अच्छे से डल जाए। एक सिलाई की आपको पूरी सिलाई लगा देनी है। ये हमने एक सिलाई पूरी लगा दी है, देख सकते हैं आप। अब हम इसके ऊपर नोचेस लगा देंगे 4, जिससे हमको पता चल जाएगी बराबर सल कितने आने हैं। तो हमने 4 नोचेस लगा दिए हैं। अब इस पर हम छोटे छोटे हमारी पूरी नेट की इस पर फ्रिल्स डालेंगे। ये आपको बड़ी सावधानी से करना है। इसमें आप पिन की सहायता से भी लगा सकते हैं। सेफ्टी पिन की सहायता से भी आप इसमें फ्रिल्स डाल सकते हैं। आपको पूरे लहंगे में इसी तरह फ्रिल्स डालनी है। ये फ्रिल्स हमारी 3 मीटर की होगी पूरी। आप चाहें तो 3.5 मीटर या 4 मीटर भी ले सकते हैं। आप जितना ज़्यादा कपड़ा लेंगे, आपकी फ्रिल्स उतनी ही सुंदर बनेंगी। आपको छोटी छोटी फ्रिल्स लगानी है, जिससे इसका घेर का उठाव अच्छे से आएगा। आप चाहें तो इसमें कैनकेन का भी यूज़ करते हैं नीचे की साइड्स, जिससे इसके अंदर घेर का अच्छा फुला रहेगा। ये देख सकते हैं, हमने पूरे लहंगे में फ्रिल्स लगा ली है पिन की सहायता से अच्छे से। आपको भी इसी तरह छोटी छोटी फ्रिल्स लगानी है, जिससे आपकी लहंगे के अंदर गैदरिंग अच्छी से आएगी। और ये एक डिज़ाइनर नेट है, इससे आप अच्छे से लहंगा रेडी कर सकते हैं। इसी हमने इसको 3 पीस रेडी किया है। इसका नेक्स्ट व्यू हम बनाएंगे, आप देख सकते हैं उसकी।
देख सकते हैं हमने पूरी फ्रिल्स लगा ली है। कितना फ्रिल्स लगने के बाद हमारी गैदरिंग बहुत सुंदर आई है, देख सकते हैं इसका फुल लुक। अब इसकी साइड की जिप लगाने के लिए हमने कपड़े को मोड़ दिया है। इसी तरह हम दोनों साइड्स के कपड़े को मोड़ देंगे जिप के, और बाद में जिप अटैच कर देंगे हम। ये देख सकते हैं हमने दोनों साइड से अटैच कर दिया कपड़े को। अब हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया है और ऊपर नेट फिक्स कर दिया हमने। अब इसको टू फोल्ड करते हुए डायरेक्ट लगा देंगे जिससे हमारा अंदर सल नहीं आएगा लहंगे के अंदर। ये देख सकते हैं हम इसको डायरेक्ट अटैच कर देंगे। अब अगर आप भी इस तरह अटैच करेंगे तो आपके अंदर लहंगे के अंदर बेल्ट के अंदर सल नहीं आएंगे। आपको अच्छे से इस पर स्टिच करना है। इसमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आपको सिलाई लगानी है। इसका सेकंड वीडियो भी हम पार्ट बनाएंगे जिसमें इसका क्रॉप टॉप और जैकेट बनाएंगे, आप अवश्य देखिएगा उसको भी। अब इसके ऊपर हम फ्रेश सिलाई लगा देंगे ऊपर से। ये आपको किनो किनो भी लगानी है जिससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी लहंगे के अंदर। ये देख सकते हैं हमने पूरी फिनिशिंग के साथ किनारों किनारों पर सिलाई लगा दी है। आप चाहे तो दूसरी सिलाई भी ऊपर से लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने कंप्लीट सिलाई लगा दी है। अब इसके हम साइड से पहले अस्तर को अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक को हम बाद में अटैच करेंगे। अगर हम दोनों साथ में अटैच करेंगे तो हमारा घेर अच्छे से उठ के नहीं आएगा, इसलिए आपको दोनों पार्ट्स को अलग-अलग स्टिच करना है। ये देख सकते हैं हमारी अस्तर की फैब्रिक को हमने अटैच कर दिया अच्छे से और लॉक कर दिया है। अब हम हमारे मेन फैब्रिक यानी नेट के फैब्रिक को अटैच करेंगे। पूरी सिलाई लगा देंगे इसकी साइड की। ये देख सकते हैं हमने कंप्लीट हमारी सिलाई लगा दी है। ये हमारा क्रॉप टॉप लहंगा रेडी है। इसके टॉप की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे, आप उसमें देख सकते हैं। ये हमारी 3 पीस ड्रेस है जिसका जैकेट और टॉप भी हम बनाएंगे। अगर आपको ये लहंगे की वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह आप भी घर पर आसानी से लहंगा बना सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट देखना ना भूलें। थैंक यू।